गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्वेश्चंस नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी किरण 10500 प्लस ज्योमेट्री का टाइप 10 का क्वेश्चंस नंबर 115। 115 नंबर क्वेश्चंस आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 10 प्लस 2 10/7/2019 को थर्ड शिफ्ट में, और क्वेश्चंस नंबर 116 भी उसी दिन का पूछा गया है 10/7/2019 को, ये भी आपका थर्ड शिफ्ट में। दोनों क्वेश्चंस एक ही दिन पूछा गया है, दोनों का आपका बेस्ट सोल्यूशन देने जा रहे हैं। देखिए ये आपका कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, चतुर्भुज के अंदर में आपका वृत्त बनाया गया है और इस प्रकार से आपका पी क्यू आर एस बिंदु है दिया है। आर एस 5 सेंटीमीटर का है, बी सी 11 सेंटीमीटर का है और ए एस 60 सेंटीमीटर का है, तो ए बी की लंबाई बताइए। आप जानते हैं कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु इस प्रकार से रहता है, तो ये आपका इस प्रकार से दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, क्यू सी बराबर आर सी। उसी प्रकार से ये बाहरी बिंदु है तो ये दोनों लंबाई बराबर होगी, ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी, इस प्रकार से आपको ये पता होगा, पिछला भी वीडियो में हमने बताया है। तो ये 5 है तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। अब ये देखिए क्लियर होना चाहिए आपको कि टोटल बी से सी की लंबाई 11 है जिसमें से क्यू सी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, 11 माइनस 5 यानी कि 6 हो जाएगा बी क्यू। अब ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। हमें ए बी की लंबाई निकालना है यानी कि एपी प्लस पीबी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए एपी की लंबाई 8 हो गया, पीबी की लंबाई 6 हो गया, डेट मीन 14 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 116 का सोल्यूशन आप मौखिक ही दे सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि ए गुना ईबी इस प्रकार से ए गुना ईबी बराबर क्या होता है सीई गुना ईडी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में सारा डाटा आपको दिया गया है कि ए 18 सेंटीमीटर है, ईबी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है और सीडी की लंबाई टोटल दे दिया है क्वेश्चन में 18, जिसमें से ईडी है 6, तो ये कितना होगा 18 माइनस 6 यानी कि आपका 12 हो जाएगा। तो ये देखिए 12 छक 72 तो 18 चौके 72 यानी कि आपका 4 होना चाहिए। या आप लिखकर भी बना सकते हैं कि ए 18 है, ईबी कितना है, ए 18 है और ईबी कितना आपको यही निकालना था, ईबी कितना है जो निकालना था, सीई कितना है दे दिया है क्वेश्चन में, देखिए सी ई ये 12 और ईडी ईडी आपको भी पता हो गया है कितना 6 दे दिया है क्वेश्चन में। तो यहां पर से देख सकते हैं कि डायरेक्ट कैंसिल करेंगे 6 3 18 और 3 4 12, तो जैसे भी चाहे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो एबी का मान 4 सेंटीमीटर आएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है। यानी कि इसको तो आप मौखिक ही बना सकते हैं इस प्रकार से कि 12 6 72 हो रहा है तो 18 4 72 होगा, मतलब यहाँ पर 4 होगा, इस प्रकार से मौखिक ही बनाना चाहिए ऐसे प्रश्न को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर देखिए 117 एसएससी सीएचएसएल 10 प्लस 2 टीयर 1 परीक्षा 3/7/2019 को तृतीय पाली में पूछा गया है। केंद्रों वाले किस वृत्त में व्यास एबी और जीवा सीडी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, एसी और ईडी को जोड़ा जाता है, कोण बीओसी 48 एओडी 100 डिग्री, तो कोण सीईबी का मान बताइए। यहां पर आपको इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है, तो कोण सीईबी ये वाला कोण सीईबी ये वाला पूछा जा रहा है, एबी आपका व्यास है और सीडी आपका जीवा है, बिंदु ई पर काट रहा है एक दूसरे को और ए को डी से मिलाए हैं इस प्रकार से आपको दिखना चाहिए और ए को सी से मिलाया गया है। तो अब देखिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि केंद्र पर जो भी कोण बनता है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि परिधि पर कोण बनता है केंद्र पर बने कोण का आधा। तो यहां पर देखिए ये 100 डिग्री केंद्र पर कोण बन रहा है तो ये परिधि पर कितना होगा टोटल, ये वाला कोण सी आपका कितना होगा यानी कि 100 का आधा तो 50 डिग्री होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये केंद्र पर 48 डिग्री बन रहा है तो परिधि पर इसका आधा 48 का आधा कितना होगा 24 डिग्री। अब यहां पर देखिए आपको ये पता होना चाहिए ये इस प्रकार से कि ये अगर जो x डिग्री है ये अगर जो y डिग्री है तो बाह कोण ये कितना होता है तो x डिग्री प्लस y डिग्री, यानी कि किसी भी त्रिभुज का बाह कोण सुदूर अंतः कोणों को योगफल के बराबर होता है। उसी प्रकार से अगर जो हम ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में ए सी ई ट्रायंगल ए सी ई में देखें तो क्लियरली आपको दिखना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर ध्यान से हम इस प्रकार से डायग्राम बना देते हैं, तो ये आपका बाह कोण का काम कर रहा है तो सुदूर अंतः कोण 50 और कितना है 24 डिग्री, मतलब भाग के जगह पर कितना हो जाएगा 50 प्लस 24 यानी कि करने का मतलब 74 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 74 डिग्री ऑप्शन नंबर दिया गया है। तो सबसे सटीक और बेस्ट सोल्यूशन के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बुक का सोल्यूशन बहुत ही लेंदी रहता है आप देखते होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर देखिए 118 ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 10 प्लस 2 टीयर 1 परीक्षा 4/7/2019 को द्वितीय पाली में 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बिंदु बी पर काटते हैं।
ये दोनों वृत्त देख सकते हैं बिंदु ए और बिंदु बी पर काटा जा रहा है इसमें, और क्वेश्चन में लिखा है ए बी 8 सेंटीमीटर का है। ए बी मतलब जो उभयनिष्ठ है, कॉमन कॉर्ड है, वो 8 सेंटीमीटर का है। तो केंद्र से त्रिज्या पर जो लंब डालते हैं ये तो आपको पता होगा इस प्रकार से, तो ये पूरा 8 है, मतलब ये आपका 4-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में लिखा है वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो x का मान निकटतम पूर्णांक में क्या होगा। तो ये मान लीजिए कि ये आपका P है, ये आपका Q है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि PQ आपको निकालना है कितना होगा, जो तो बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने M नाम दे दिया, तो PQ निकालना है, कहने का मतलब हमें PM प्लस MQ का मान निकालना होगा। अब देखिए ये आप जानते हैं कि 3-4-5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 हो जाएगा, यानी PM हमने 3 निकाल लिया। अब MQ भी निकाल लेते हैं, तो MQ इस प्रकार से निकाल सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डायरेक्ट, यानी कि इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, MQ को इस प्रकार से निकाल सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 64 माइनस कितना हो जाएगा 4 16, तो 64 में से 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 48। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको आता होगा ये सभी करने के लिए। 48 को आप लिख सकते हैं 16 3 48 16 3, डेट मीन कहने का मतलब 4√3, और √3 का मान 1.732 होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो 4 से गुना भी कर देते हैं, तो 4 2 8 4 12 2 1 17 4 68 69, यानी कि 6.928। डेट मीन्स कहने का मतलब ये नियरेस्ट, यानी कि हम ले सकते हैं लगभग 7 के करीब इसे ले सकते हैं, तो यानी कि 3 प्लस 7 यानी कि लगभग आपका मान कितना हो गया 10, तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा 118 का। देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है 2 नंबर ऑप्शन लगभग में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119 आपका पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 परीक्षा 4/7/2019 को तृतीय पाली में। 118 नंबर जैसे बताए हैं उसी प्रकार से 119 और 120 दोनों क्वेश्चंस है। तो पहले देखिए 119 नंबर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपका है 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या हम 7 सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसको 9 सेंटीमीटर ले लिए। आगे क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी पर काटता है, ए और बी पर काट रहा है, मतलब पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है। आगे क्वेश्चन में लिखा है अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है, मतलब वह 6 है, मतलब ये आपका 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है तो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी एक्स है, तो एक्स का मान निकटतम पूर्णांक में क्या होगा। यहाँ पर भी PQ का मान यानी कि x दिया है, तो ये आपको बताना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में था वही यही क्वेश्चन है। तो देखिए 7-3, तो आपको यहाँ पर कोई भी यानी कि सबसे पहले पॉइंट हम मान लेते हैं, जैसे m माने थे, तो PQ निकालना है, डेट मीन्स कहने का मतलब हमें PM प्लस MQ का मान निकालना होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ हम PM निकाल देते हैं, ये तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो PM आपको निकालना होगा इस प्रकार से। PM किस प्रकार से निकालेंगे, ये लंब होता है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का √10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से आपको निकालना है MQ, तो MQ निकालेंगे, डेट मीन्स कहने का मतलब MQ कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, ये आपका हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2, यानी कि 72 सेंटीमीटर के करीब। हमें क्या चाहिए, ये PM प्लस MQ, तो PM का मान हो गया 6.324 और प्लस MQ का मान हो गया 8.485, दोनों को जोड़ देंगे, डेट मीन्स कहने का मतलब 5 4 9 और 8 2 10 की 0 बाकी 1 4 3 7 1 8 और ये 8 6 14, यानी कि 14.809। तो 14.809 ये लगभग आपका 15 के करीब है, तो 15 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, 15 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर ऑप्शन है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 120, ये भी आपका उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 परीक्षा 5/7/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया था, तो इसका भी सोल्यूशन बहुत इजी है। देखिए लिखा है 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बिंदु बी पर काटते हैं, मतलब ये 7 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा 9 सेंटीमीटर का है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि अगर ए बी 10 सेंटीमीटर का है, तो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान बताइए, मतलब ये आपका ए बी उभयनिष्ठ त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अभी हम बताए हैं थोड़ी देर पहले ही यही क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर आपको करना होगा क्या, आपको ये PQ की लंबाई x दिया है, तो x निकालना है, यहाँ पर हम m मान लेते हैं, तो कहने के लिए हमें क्या करना होगा, PQ निकालने के लिए PM प्लस MQ का मान निकालना होता है। अब देखिए ध्यान से, PM को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, PM हम निकालना चाहते हैं, तो रूट अंडर क्या करना होगा, ये तो 90 डिग्री है ना, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 49 में से 25 आपको घटाना होगा, तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि
चार में से दो जाएगा तो दो, तो 24, 24 को आप लिख सकते हैं 6 चौके 24, 4 गुना 6 यानी कि कितना हो गया, तो 2√6 हो गया, 2√6 हो गया आपका पीएम, पीएम का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 2√6। अब देखिए उसी प्रकार से निकाल लेंगे एमक्यू, तो एमक्यू भी निकालिए, एमक्यू क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और ये रूट अंडर, तो 9 81 माइनस 25 इस प्रकार से, तो घटा देंगे 11 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 56 को आप लिख सकते हैं 14 चौके 56 यानी कि इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल यानी कि 2√14 यानी कि 2√14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 2√14 और 2√6, तो ये आपका इसी प्रकार से दो कॉमन ले सकते हैं, तो √6 + √14 इतना लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 120 का टू कॉमन लेके √6 + √14 ऑप्शन नंबर आपका क्लियरली इतना ही दिया गया है, इतना सेंटीमीटर चौथा नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121।